तो दोस्तों देखिए, आज है कि मम्मी ने अभी चिकन डाल दिया उसके अंदर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ अभी रात को 11 बजे। मेरे पास घड़ी नहीं है, नहीं तो अभी आप लोग को टाइम दिखा देते हैं। और मोबाइल भी नहीं है क्योंकि आर्या के पापा का मोबाइल ख़राब हो गया है और टाइम नहीं आप सबको दिखा सकते हैं इसीलिए। तो दोस्तों अभी देखिए, मैं खाना बना रही थी रात को 11 बजे और अभी मेरा आधा खाना बना है और आधा खाना बना भी नहीं है। और दोस्तों आज बहुत दिन के बाद मतलब आर्या के पापा चिकन लेकर आए हैं और चिकन के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी आ गई। और क्या प्रॉब्लम आ गई अभी आप सबको बताएंगे। और देखिए दोस्तों, इधर मतलब रखा है सब कुछ और अभी बना भी नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि अभी सोच रहे इसको कैसे बनाएं कैसे ना बनाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए मतलब ये रोटी इधर बना कर रख दी है और देखिए और चिकन नहीं बनाए क्योंकि दोस्तों आज चिकन लेकर बहुत दिनों के बाद आए और गैस भी ख़त्म हो गया मेरा। रोटी बस बना, रोटी भी नहीं पूरा बना था, थोड़ा आटा बचा था इतना फेंक दिए और रोटी भी नहीं बना और गैस भी ख़त्म हो गया और चिकन ये लेट लेकर आए हैं इसीलिए अभी मतलब बना नहीं है। गैस ख़त्म हो गया, इनको पता भी नहीं था कि मतलब गैस ख़त्म हो गया क्योंकि इनके पास मोबाइल नहीं था इसलिए मैं फ़ोन कर तो बता नहीं पाई। तो ये लेकर आए, अभी कैसे बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर चिकन नहीं रहता तो हम लोग चटनी उटनी पीस कर और नहीं तो अचार उचार से खा कर सो जाते, लेकिन अभी इतनी रात को चलते हैं कोई जुगाड़ करेंगे और बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे वो सब आप सबको दिखाएंगे, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो सब दिखाएंगे। और आर्या भी अभी सो गया है और आर्या के पापा उधर बैठे हैं, तो चलिए बाहर कुछ जुगाड़ करते हैं बनाने का, देखते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी देखिए इधर मतलब लेटे हैं आकर और आर्या भी सोया है, लगता है ये भी जग जाएगा और इतनी रात हो गई है अभी जग जाएगा। और अभी हम लोग खाए भी नहीं, हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगी है हमको तो, लेकिन अभी तक खाए भी नहीं और चल रहे हैं बाहर। देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है, जुगाड़ करेंगे, ईंटा उटा है जोड़ेंगे, लकड़ी उकड़ी जलाएंगे, उसके बाद बनाएंगे तब खाएंगे। तो चलिए बाहर अभी चलते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की, देखते हैं आग जलता है कि नहीं, क्योंकि इतना मोटा मोटा लकड़ी है कि लगता है जलेगा भी नहीं, लेकिन चलिए देखते हैं। चलिए जलाइए लकड़ी उकड़ी, चूल्हा जोड़िए, नहीं तो नहीं बनेगा चिकन उकन आपका। इतने दिन के बाद लेकर आए और मुसीबत भी लेकर चले आए, गैस भी साथ में। पहले ही दिन चिकन लेके आए और पहले ही दिन गैस खत्म हो गया है और रात को अभी बज रहे हैं 11। अभी हम काम से आए हैं तो उधर से चिकन लेके आ गए, हमको मालूम रहता तो हम गैस खत्म हो गया तो लाते ही नहीं। अभी चलिए क्योंकि आ गई इतनी बड़ी मुसीबत, अब रात को चूल्हे पे खाना बनाएंगे और आज अभी बज जाए, अब चलिए चलते हैं दुबार लगाते हैं कुछ बाहर। तो दोस्तों देखिए, आर्या की मम्मी ईंट ले जाकर जुगाड़ कर रही है और रात को कैमरा इतना साफ नहीं आ रहा है। देखिए ईंट का जुगाड़ हो रहा है और आर्या वहाँ पे बैठ चुके हैं, अभी हम लोग ईंट से खाना बनाएंगे। आज शहर में रह के चूल्हे पे हम लोग खाना बनाने जा रहे हैं और आर्या देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और आर्या की मम्मी यहाँ पे है। अभी लकड़ी कहाँ से लाए, लकड़ी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, अब लकड़ी का भी जुगाड़ करेंगे। देखिए आर्या आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए देखिए आगे खड़े हो गए आके। अभी कोने में था, देखते हैं है कि नहीं है। अभी देखिए दोस्तों चूल का जुगाड़ हो गया, अब चल रहे हैं, आग जल रहे हैं, अब चल रहे हैं लकड़ी ढूंढने। लकड़ी उधर है दोस्तों, देखिए एकदम सब रात में सन्नाटा सन्नाटा हो गया है, ये देखिए सब अंधेरा अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे हम लोग को। आर्या रो रहा है, यहाँ पे देखिए आर्या आर्या की मम्मी आगे आगे जा रही हैं। ये हम लोग ने टॉर्च जलाया है, एक इमरजेंसी लाइट है भैया। ये देखिए यहाँ पे सब कबाड़ रखे हुए लकड़ी, ये आर्या का छोटा झूला, पहले जब छोटा था आर्या, और ये बड़ा झूला है, इसको अब ये ढकेलता है इसे। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी लकड़ी पड़ी हुई है, इसी को जलाएंगे। देखिए इतनी रात को ये सब बारिश की वजह से सड़ गए हैं, चल रहे हैं इसको लेके। चलो आ रहे बाबू को लेकर चलिए, चलो आ चलो मम्मा के साथ आगे आगे, चलो आ जाओ चलो। देखो अभी हम लोग कब खाएंगे, रात को 11 बज गए। देखिए पूरा सब सन्नाटा आ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है मम्मी के साथ अपने।
अभी देखिए वहाँ पे हम लोग का खाना बनेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हमें चूल्हा जलाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों सब कुछ यहाँ पे लाके रख दिए हम लोगों ने, और आर्या यहाँ पे खड़े हैं और चड्डी में पेशाब कर दिया आर्या। और आर्या की मम्मी अभी जलाने का व्यवस्था कर रही है, उसको कैसे जलाया जाए क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो थोड़ा कागज़ का पुट्ठा लेके आई हैं और लकड़ी है, अभी इसको जलाने का हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना तो रॉकेल है ना तो कुछ है, तो क्या करें क्योंकि गैस था तो हम लोग को कभी ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ का। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं, देखिए आर्या के पापा आग जला रहे हैं, हमको नहीं जलाने आता है तो अभी ये जला रहे हैं, देखिए जलता है कि नहीं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्ली उल्ली लेकर आए, जल गया लगता है, बिल्ली जल रहा है उसी से पकड़ लेगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत रात हो चुका है और भूख भी लगा है। इतनी रात को कौन खाना बनाता है, सबके सोने के टाइम पे आज हम लोग खाना बना रहे हैं। कभी हम चल रहे इसमें मतलब थोड़ा माटी ले ही लगा देंगे, इधर वहाँ पे थोड़ा माटी है, हम मतलब तुलसी का पौधा लगाए उसी में है, उसमें से ले ही लगा देंगे, नहीं तो जल जाएगा तो छूटेगा नहीं। तो भी चल रहे उसमें ले ही लगा कर लाएंगे। और अरे पापा ने आग जला दिया, देखिए तभी हम लोग का खाना जल्दी जल्दी हो जाएगा और खा लेंगे हम लोग, क्योंकि आप सब सो गए होंगे इतने टाइम और हम लोग अभी खाना बना रहे हो। और मेरा बाबू भी जग गया है और आज आर्या के पापा ही बनाएंगे, हम दोनों मिलकर बनाएंगे आज, आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे बनाएंगे। और तो चलिए अभी हम ले लगा कर लेकर आते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। तो दोस्तों आर्या की मम्मी गई है वो क्या बोलते हैं कढ़ाई में ले लगाने, और आर्या हमारे साथ यहाँ पे है। और आर्या की मम्मी देखिए वहाँ पे ले लगा रही हैं और चूल्हा जल चुका है, बहुत आँच लग रहा है, सोचा कि बहुत मुश्किल से जलाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों कागज़ और पन्नी था जिसमें आर्या चिप्स खाते थे उसी से जला दिए, बहुत अच्छे से जला। अभी देखिए यहाँ पे आर्या की मम्मी देखिए अभी दोस्तों हम रख दिए और अभी बनाएंगे, देखिए हिल भी रहा है, डर लग रहा है कहीं गिरे ना, देखिए यहाँ पे रख गिर दिया जाएगा गया तो हम लोग का सब कुछ बेकार हो जाएगा। अभी बनाने चल रहे हैं सर, अभी चिकन बनेगा, उसका रोटी तो बन चुका है, चिकन रोटी आज का खाना है। तो दोस्तों आर्या की मम्मी देखिए कढ़ाई में तेल डालने जा रही है और आर्या हमारे पास है, देख सकते हैं आप। और आग बहुत तेज था तो उसमें से एक लकड़ी निकाल के साइड में रख दिए हैं क्योंकि लकड़ी भी ज्यादा नहीं है। और आर्या देखिए 3 साल के बाद हम आग पे खाना बना रहे हैं, 3 साल के बाद हम लोग चूल्हे पे खाना बना क्या रहे हैं। करें? अगर कोई अगर सॉरी हाँ किसी का गैस रहता तो उसपे जाकर बना लेते, यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग रहते हैं ना दोस्तों, तो गैस खत्म हो जाता है तो ऐसे परेशानियाँ होती है, लेकिन कोई रहता नहीं है ना इसीलिए इतने जल्दी कभी खत्म नहीं हुआ, कभी रात को नहीं खत्म हुआ था, दिन में खत्म होता था तो वो जाते थे भरा के लेके आते थे, लेकिन आज रात को खत्म हो गया तो अभी क्या कर सकते है, तो ऐसे ही बना रहे हैं। और देखिए आज चिकन लेके आए तो ये हो गया, अभी आर्या की मम्मी कढ़ाई में तेल डाली, अब इसको चिकन देखो कैसे डालती है। तो देखिए आर्या की मम्मी ने कढ़ाई में तेल उनका गर्म हो गया और प्याज और क्या बोलते हैं मिर्ची डाल दी है। और आर्या यहाँ पे देखिए नमक इसमें से निकाल के इसमें डाल रहा है, देखिए नमक कैसे खा रहा है आर्या, नहीं खाया जाता नमक, देखो नमक कैसे खा रहा है दोस्तों, देखो इसको नमक बहुत अच्छा लगता है, ये नमक ऐसे खाता है। और आर्या की मम्मी यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दी है, अभी प्याज और मिर्च पड़ चुका है इसमें, अभी बाकी सब और मट क्या सामान सब डालेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए आर्या की मम्मी ने अभी चिकन डाल दिया उसके अंदर, अभी चिकन को थोड़ा देर मतलब प्याज के साथ में भूजेंगे, उसके बाद तब इसमें मसाला वसाला डालेंगे और जो आर्या हरदम वीडियो में आना चाहता है, ये हरदम वीडियो बनाना चाहता है अपना, हाय बोलो दोस्तों को, हाय बोलो, टाटा करो आर्या, टाटा करो, हाँ टाटा। तो देखिए आर्या यहाँ पे आर्या की मम्मी जी यानी कि दादा जी वहाँ पे अभी चिकन अपना बना रही हैं और आज को मस्त पहले 3 साल बाद दोस्तों हम लोगों ने चूल्हे पे खाना बनाना स्टार्ट किया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कैसा बनता है देखते हैं, चूल्हे का खाना बहुत अच्छा लगता था लेकिन देखते हैं कैसा बनता है, कैसा लगता है आप लोग को बताएंगे, और जो लोग खाते होंगे तो ऐसे ब्लॉग में कंटिन्यू बने दोस्तों। ये मेरा और दादाजी का पहला ब्लॉग है, क्योंकि कल एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि हम दादाजी के साथ वीडियो बनाएंगे, तो पहला ब्लॉग है तो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, हम लोग का सपोर्ट कीजिए प्लीज दोस्तों। तो ब्लॉग में ऐसे बने रहिए दोस्तों, अभी चिकन बन रहा है देखते हैं लास्ट तक कैसा होता है।
तो दोस्तों देखिए आर्या की मम्मी अभी मसाला उसमें डाल रही है क्योंकि चिकन फ्राई हो चुका है, उसमें मसाला डाला जा रहा है। अभी क्या होगा, मसाला पक के इसके बाद थोड़ा देर मतलब जाएगा, मतलब मसाला पकेगा उसके बाद इसमें पानी नमक डालेंगे। पानी नमक डाल के उसको ढका जाएगा। कितनी देर के लिए ढका जाएगा इसको? थोड़ा देर के लिए मतलब पक जाए। हाँ यानी कि 10-15 मिनट तक। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसको ज्यादा देर मतलब फ्राई कर दिए ना तो पक गया है। मतलब आर्या देखिए फिर से हमारे साथ आ रहे हैं, आगे ही आ जाते हैं हरदम। देखिए बोल रहे हैं शर्ट निकाल लीजिए हमारा। अभी तो ये हो चुका है दोस्तों, अभी सब कुछ हो चुका है, उसको ढक के पानी डाल के ढका जाएगा। उसके बाद 10-15 मिनट देखो पेट कैसे दिखा रहे। तो अभी जा रहे उसको ढकने के लिए। आ रहा देखो ये 12 बजे तक ऐसे नहीं सोता है, सुबह सो लेता है 8-9 बजे। मसाला पक रहा है अभी, अरे मसाला पक रहा है अभी, पानी डाला जाएगा उसके बाद उसको 10-15 मिनट के लिए ढका जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मसाला जा चुका है और इसमें नीमक भी डाल दिए हैं और अभी पानी भरना है, अभी पानी डालने जा रहे हैं। तो धुआं आग में बहुत तेज लग रहा है, बहुत तेज धुआं हो रहा है क्योंकि लकड़ी जल नहीं रही। देखिए अभी आग इतना सही जल नहीं रहा है क्योंकि पन्नी और कागज सब खत्म हो चुके हैं, कोई कागज और पन्नी है नहीं। तो अभी पानी डाल दिए, पानी डाला जा रहा है, उसके बाद इसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद ये चिकन हो जाएगा। अभी भी टाइम दोस्तों 11:30 हो चुके हैं, लगता है आज खाने को 12 बजे ही मिलेगा। आँख में सबको धूप लग रहा है। अब इसको तोप देंगे उसके बाद पक जाएगा, अभी पकेगा ये उसके बाद आपको दिखाएंगे, जब बन जाएगा तब बताएंगे अभी कैसा बनाया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम आ रहे तो भेल लेके आए हैं, तब तक भेल खा लेते हैं। और भेल लेकर आए हैं, तो आप भेल खाने चल रहे हैं? उसके बाद खा लेंगे। आइए अभी भेल खा लेते हैं यहाँ पे बैठ के हम लोग, क्योंकि मैं आ रहा था ये भेल लेके आया था। अभी दिखाता हूँ ये बम्बई का भेल कैसा होता है आप सभी को। तो यहाँ पे तो खीरो, तो दोस्तों भेल खाने जा रहे हैं हम लोग, सब लोग बैठ चुके हैं और वहाँ पे हमारा चिकन हो रहा है। अभी उसको 10-15 मिनट होगा, तब तक इसको खा लें क्योंकि बहुत भूख लगा है, क्योंकि दिखा रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों ऐसा होता है भेल, इसमें और ये मेरे बाबू को मतलब बहुत पसंद लगता है। गांव का भुजा, चटनी, थोड़ा सा नमकीन, प्याज, नींबू और मूंगफली मिलाकर यहाँ पे इसी को भेल कहते हैं गांव में। ये हम लोग भुजा खाते हुए है, तो अभी सब लोग खाएंगे। आर्या के पापा को बहुत दिन के बाद मेरे हाथ से खा रहे हैं आज, और मेरा बाबू खाएगा। आर्या लो बेटा, आ जा भी खाएगा। दोस्तों आप लोग को भी खाना है, आ जाइए आप लोग, आइएगा हमारे घर, तो आप लोग को ऐसा भेल हम लोग खिलाएंगे, बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, उसके बाद मेरा आप चिकन भी हो रहा है, अभी चिकन हो जाएगा उसके बाद आप सबसे मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में ऐसे ही। तो दोस्तों हमारा चिकन बन के रेडी हो गया है। देखिए आ जाए की मम्मी अब निकाल रही है क्योंकि भूख बहुत जोर से लग चुका है, क्योंकि 12 बजने को आ चुके हैं। अभी 10 मिनट का मैं 12 बजने में, तो रात के 12 बजे हम लोग खाना खाने जा रहे हैं दोस्तों, क्या करें, मुसीबत ही कुछ ऐसी आ गई। तो देखिए अभी निकल रहा है, प्लीज़ आप लोग भी को खाना है तो आइए हमारे घर, आपको वैसे चूल्हे पे मतलब इतनी रात को नहीं खिलाएंगे, आपको भी चूल्हे का खाना खिलाएंगे हम लोग, क्योंकि चूल्हे का खाना कहते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है। और आ जाए कि मम्मी देखिए निकाल रही हैं, अभी हम लोग खाएंगे, हम लोग का मतलब यहाँ दो थाली नहीं दिख रहा है, दो थाली में देखिए यहाँ पे आ गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाने, भी आ रही है कि पापा को मतलब सिखा रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं उनको खिला कर थोड़ा कि कैसा बना है ये बताएंगे। हाँ दोस्तों 3 साल बाद चूल्हे का खाना मतलब 3 साल बाद खाने को मिल रहा है, गर्म है अभी, कैसा बना है बताइए। अच्छा है दोस्तों, अच्छा, तो आप लोग को खाना है तो आ जाइए खाने। तो दोस्तों हम लोग अभी खाने जा रहे हैं और आप लोग भी खाना चाहते हैं तो आ जाइए खाने। तो दोस्तों वीडियो को अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज आप लोगों के साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हम लोग का ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत ज्यादा आप लोग के सपोर्ट की हम लोग को जरूरत है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए। और आर्या देखिए रोटी लेकर बैठ गया है खाने, तो हम लोग भी जा रहे हैं खाने।
तो आप लोग से मिलेंगे इसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।